आज हमारे बीच इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस की पांचवी बैठक हुई। हर दो साल के अंतराल पर होने वाली ऐसी तीन बैठकों में चांसलर मर्केल के साथ भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला है। इस अनूठी मैकेनिज्म से हर क्षेत्र में हमारा सहयोग और भी गहरा हुआ है। आज जिन समझौतों आदि पर हस्ताक्षर हुए हैं वे इस बात का प्रतीक है। मुझे बहुत खुशी है कि भारत और जर्मनी के बीच हर क्षेत्र में, खासतौर पर न्यू एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में दूरगामी और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़ाने में आगे बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, सन 2022 में स्वतंत्र भारत 75 वर्ष का होगा। तब तक हमने न्यू इंडिया के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस बहुआयामी प्रयास में भारत की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के लिए जर्मनी जैसे टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक पावर हाउस की क्षमताएं उपयोगी होगी। इसलिए हमने न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल्स, एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। ई मोबिलिटी, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटीज, इनलैंड वाटरवेज, कोस्टल मैनेजमेंट, नदियों की सफाई और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की नई संभावनाओं को विकसित करने का हमने फैसला किया है। इन क्षेत्रों में हमारा सहयोग क्लाइमेट चेंज के खिलाफ साझा प्रयासों में भी मदद करेगा। व्यापार और निवेश में अपनी बढ़ती हुई भागीदारी को और गति देने के लिए हम प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित कर रहे हैं। चांसलर मर्केल और मैं दोनों देशों के कुछ प्रमुख बिजनेस और इंडस्ट्री लीडर से मुलाकात भी करेंगे। हम जर्मनी को आमंत्रित करते हैं कि रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर में अवसरों का लाभ उठाएं। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के विश्वास और मित्रतापूर्ण संबंध डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। इसलिए विश्व की गंभीर चुनौतियों के बारे में हमारे दृष्टिकोण में समानता है। इन विषयों पर हमारे बीच विस्तार से चर्चा शाम को जारी रहेगी। आतंकवाद और उग्रवाद जैसे खतरों से निपटने के लिए हम बायलेटरल और मल्टीलेटरल सहयोग को और घनिष्ठ बनाएंगे। एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत की सदस्यता को जर्मनी के सशक्त समर्थन के लिए हम जर्मनी के आभारी हैं। दोनों देश सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अन्य आवश्यक सुधार शीघ्र कराने के लिए सहयोग और प्रयास जारी रखेंगे। योर एक्सेलेंसी, भारत जर्मनी संबंधों का भविष्य उज्जवल है। इसके लिए मैं एक बार फिर आपके कुशल नेतृत्व और हमारे सभी सहयोगियों बहुमूल्य सहकार्य के लिए धन्यवाद देता हूं। दान के शौन, बहुत बहुत धन्यवाद।